हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक क्लास टेंथ का प्री बोर्ड का पेपर लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, सेक्शन 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। मैक्सिमम मार्क्स इज 40, टाइम इज 2 आवर्स। सेक्शन ए कंप्राइजेस 2 मार्क्स 6 क्वेश्चंस के हैं, बी के अंदर 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं, सी के अंदर 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के अंदर 2 केस स्टडीज हैं। पहला एपी का क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इजी। सेकेंड के अंदर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। मेथड मेंशन नहीं है तो हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है इसके अंदर, दोनों में से कोई भी एक करना है। नेक्स्ट वाला भी इजी है। थर्ड वाले के अंदर हमें एक साइड निकालनी है। 3 साइड्स हमें गिवन है। हमें पता है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी होता है। इन वैल्यूज पुट आउट करेंगे हम लोग, निकल जाएगी हमारी वैल्यूज। नेक्स्ट सर्फेस इन वॉल्यूम का है। कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन, रेडियस इज गिवन, इससे हमारा एल निकल जाएगा स्लांट हाइट। उसके बाद एल स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर से हमारी हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है, इंटरप्रेटेड फाइंड द मीडियन डिस्टेंस, मीडियन फाइंड आउट करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे, इसकी पूरी सिक्वेंसेस यहाँ पर है। नेक्स्ट भी इजी है, वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इसके अंदर ऑप्शन है नेक्स्ट वाले में एक्स सॉल्व करना है। हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम लोगों को मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मॉड इज गिवन, इजी है। 8 के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है टेंजेंट्स की। नेक्स्ट के अंदर हमें मीन और मीडियन दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑप्शन है, 2 हैं, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर, इसके अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन एंड रेडियस एंड सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज गिवन। 12th क्वेश्चन के अंदर सर्कल्स है, ऑप्शन है। नेक्स्ट चॉइस के अंदर थ्योरम दे रखी है। 13th केस स्टडी जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है एपी की, जो कि इजी है। इसका सेकेंड पार्ट अच्छा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं प्रैक्टिस कि इसने कितनी गोल अचीव करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 3rd इजी है, 4th भी इजी है। नेक्स्ट ये केस स्टडी जो 14th नंबर पर है वो बहुत अच्छी है, पेरिस व्हील वाली है, सर्कल्स की ये केस स्टडी है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।